संघ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, सदाशिव राव गोवलकर पर ट्वीट किया था सीएम ने। सीएम ने दिग्विजय के ट्वीट पर भी पलटवार किया था। इंदौर के तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज हुई है, तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासत गरमाती जा रही है और कहीं ना कहीं बयानबाजी तो हो ही रही है, अब एफआईआर भी हुई है। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई है। बता दें, संघ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, सदाशिव राव गोवलकर पर ट्वीट किया था सीएम ने। दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार भी किया था। इंदौर के तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट करने के बाद सियासत गरमाई और कहीं ना कहीं अब जो है इस पर बयानबाजी तो हो ही रही है, अब एफआईआर भी हुई है। बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सामाजिक विद्वेष फैलाने और माहौल खराब करने का ये आरोप लगाया गया है। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ट्वीट करके, जो गोवलकर हैं, राष्ट्रीय संचालक रह चुके हैं, उनके एक फोटो के साथ कुछ शब्द शेयर किए थे और उसी को लेकर अब ये पूरा का पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट आया है और उन्होंने भी इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट की निंदा की है और एक तरीके से सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गोवलकर थे वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने कई तरह के कदम भी उठाए, लेकिन उनकी छवि को खराब करने का काम दिग्विजय सिंह जिस तरीके से कर रहे हैं वो निंदा करने वाला है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अपने जो सरसंघ संचालक रहे गोवलकर हैं उनको लेकर जो ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। और अनुराग, ये नहीं लगता कि बैठे बिठाए बार बार दिग्विजय या कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई बड़ा मौका दे देती है जिस पर घेरने के लिए बीजेपी आती है? बिल्कुल, देखिए, कई बार दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट हैं वो विवादों में आ जाते हैं, सुर्खियां बनते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट के साथ जो फोटो और शेयर की है वो गोवलकर का ही, दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो गोवलकर का जो है लिखे हुए शब्द हैं, उनके कहे हुए शब्द हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब दिग्विजय सिंह पर हमलावर है और यही वजह है कि इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह कितने सही हैं कितने गलत हैं, अब ये उनको कानूनी रूप से अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अनुराग, अगर यही सवाल कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से पूछा जाएगा तो किनारा कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंसते दिखते हैं बड़े नेता तो बाकी नेता किनारा कर लेते हैं कि उनका खुद का ये बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे उसके बाद खुद पार्टी नेता राहुल गांधी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था, जयराम रमेश ने उनके बयान से किनारा कर लिया था और यही वजह है कि कई बार दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान दे देते हैं या ट्वीट कर देते हैं जिसको लेकर पार्टी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो जिस बात को लेकर दावा करते हैं उससे कभी पलटते नहीं है, तथ्यों के आधार पर ही वो दावा
करने का काम करते हैं। तो दिग्विजय सिंह के राजनीति करने का तरीका अलग है, वो इस तरीके से कई बार विवाद खड़ा कर चुके हैं। यही वजह है कि गोलवलकर के विचारों को लेकर, उनकी समझ को लेकर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने 24 घंटे पहले जब ये ट्वीट किया था उसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक दिग्विजय सिंह ने ना ट्वीट हटाया है। तो इसका मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह अपने जो सोशल मीडिया पे जो शेयर किए, जो पोस्ट शेयर किए उसको लेकर वो अड़िग हैं। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी पेच होगा, क्या दिग्विजय सिंह अपनी सफाई देंगे, अब ये कानूनी रूप से देखना होगा। जी जी ठीक अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट की तस्वीर है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या ट्वीट दिग्विजय द्वारा किया गया था, और अब कहीं ना कहीं वो अपनी बयानबाजी में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर FIR हुई है, बता दें एक एडवोकेट ने ये FIR रात में दर्ज कराई है, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार सीएम ने भी किया था, और अब जो है FIR हुई है, इंदौर के तुकोगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट किया गया गोलवलकर को लेकर के, आखिर आप इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं न लिखते हैं, और उन्होंने लिखा है तो उसके पीछे तथ्य होंगे। जब विचारधारा कोई लड़ाई होती है, विचारधाराओं का द्वंद होता है, तो विमर्श उसका रास्ता होता है, थानेदारी उसका रास्ता थोड़ी है। अगर आपके आप उसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि है तो देश में विमर्श हो जो है उससे उससे क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही सारे फैसले क्यों करना चाहती है? अब FIR हुई, आप इसे किस तरह देखते हैं इस FIR को? देखिए ये तो कानूनी बात है, वो तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भयभीत थोड़ी है कांग्रेस। जो चीज सामने है उसका सामना करेगी पार्टी। पर सीएम तो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है, हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। सीएम जी कुछ भी कहें, सीएम को कहने का हक है, वो तो जो है कुछ भी कर सकते हैं। किसी का जो है सिर गंदा किया जाता है उसके पांव साफ कर देते हैं। पूरी कांग्रेस समर्थन करती है मतलब दिग्विजय सिंह के बयान का? मैंने आपसे जो कहा है कि जो बात वो कहते हैं वो तथ्यपरक बात कहते हैं, तथ्यों का मुकाबला करे ना भारतीय जनता पार्टी, बोले कि ये गलत लिखा है जी वो प्रमाण दे देंगे। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े भूपेंद्र जी। आपने सुना भूपेंद्र जी भी लगातार जुड़े हुए थे और बयान को लेकर उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि वो कोई भी बात कहते हैं तो सोच समझ करके कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है साथ नजर आएंगे, कुछ अगेंस्ट नजर आएंगे। तो ये जो ट्वीट है अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय के ट्वीट पर ट्वीट करने के बाद सियासत गरमा रही है और उन पर अब FIR भी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले पर स्टैंड लेती है। बाकी बयानबाजी का दौर जारी है, सीएम ने भी इस पर पलटवार किया था, इस ट्वीट को लेकर के पलटवार किया था दिग्विजय ने जो ट्वीट किया था। तो गोलवलकर पर ट्वीट दिग्विजय ने किया और इंदौर में FIR हुई है। और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था गोलवलकर को लेकर, अब FIR भी हुई है, आखिर आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं इसे देखते हैं क्या, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करना, हिंदू मुसलमान करना, संघ के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाना। परम पूज्य गोलवलकर जी ने जब कहा ही नहीं है तो उसमें एक मॉर्फ इमेज बनाकर उनके बयानों को डिस्टर्ब करते हुए प्रस्तुत करना,
ये सब उनके पुराने काम है और आज की डेट में भी वो सजा याफ्ता ही है शायद, जैसा मुझे ध्यान है वो किसी को मार पीट रहे थे, तो वो मतलब बहुत दुखद है, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। और सुबह से शाम तक आप उनका ट्विटर उठाकर देख लीजिए, भ्रम फैलाना, वोटों की राजनीति करना और इस प्रकार के गैर तथ्यात्मक बयान देना तो बहुत ही ज्यादा उनके स्टेटर को लेकर एक प्रश्न खड़ा करती है। अब जुडिशियल ट्रायल का वो सामना करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आतिश जी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति